झांसी थाना चिरगांव क्षेत्र में बने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त महाविद्यालय में एक जोड़ा शादी की वेशभूषा में अचानक महाविद्यालय पहुंच गया, जिसे देखने को सभी लोग आतुर नजर आए। बताते चले कि सुल्तानपुरा निवासी एक छात्रा की आज शादी थी और उसकी परीक्षा भी आज ही थी। छात्रा बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है। जब उसने अपने एग्ज़ाम की बात अपने ससुराली जनों को बताई तो ससुराली जनों ने तत्काल उसे एग्ज़ाम देने के लिए अनुमति दे दी और दुल्हा दुल्हन शादी के जोड़े में निकल पड़े और परीक्षा दिलवाने महाविद्यालय दुल्हा दुल्हन को लेकर चला गया। छात्रा को दुल्हन के रूप में देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, तो वहीं छात्रा के परिवार व ससुराल वालों की प्रशंसा भी की। वहीं छात्रा पूजा साहू ने अपने सभी साथियों को संदेश देते हुए कहा कि आप सभी लोग अपनी शादी के बाद भी अपनी शिक्षा जारी रखें, जिससे आप लोग आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मुझे मेरे परिवार और ससुराल का पूरा सहयोग मिला, जो आज मैं शादी के जोड़े में दुल्हन के रूप में अपने पति के साथ परीक्षा देने आई। सर, आपके आज इस महाविद्यालय में एक बच्ची जो दुल्हन के रूप में पेपर देने आई है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़े सौभाग्य की चीज है कि शादी के बाद भी कोई बच्ची अपना सब काम छोड़कर पेपर देने आई। हम लोगों के समय में तो ऐसा होता था अधिकतर कि जिस दिन शादी होती थी उस दिन को छुट्टी ले ले बच्चा या पेपर छोड़ दे। आज कम से कम समाज में इतनी जागरूकता हो गई है कि शादी छोड़ के भी अगर बच्ची पेपर देने आती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई के प्रति जागरूक है, वो अपने करियर के प्रति जागरूक है, बड़ा अच्छा लगा उसमें। तो सर, इस बच्ची के माता पिता से आप क्या कहना क्या कुछ कहना चाहेंगे? माता पिता से तो संपर्क टूट जाएगा, उनके ससुराल पक्ष से हमारा निवेदन है कि अगर लड़की इस तरीके से पढ़ने में इंटरेस्ट ले रही है तो उसकी पढ़ाई बंद ना करें। और भी छात्राएं आपके विद्यालय में पढ़ती हैं, उन छात्राओं से आप चैनल के माध्यम से अगर कोई ऐसी शादी ब्याह के बाद स्थिति बनती है तो पढ़ाई ना छोड़े अपनी, क्योंकि समाज में कई कुरीतियां भी इस समय चल रही हैं। उनसे निपटने का एक ही तरीका है कि छात्राएं शिक्षित बने, शिक्षित बनने से वो कम से कम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। अच्छा सर, आपकी जो बीए सेकंड ईयर की छात्रा है उस क्लास में कितनी छात्राएं और पढ़ती हैं? उसमें करीब 500 के आसपास पढ़ती हैं जी। सर, जैसे देखने को मिला है कि भारत सरकार का भी नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो आज देखने को भी मिला है इस महाविद्यालय में, तो क्या कुछ सरकार से भी आप इन बच्चियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से निवेदन है कि बच्चियों को पढ़ाई के प्रति बढ़ावा दें, उन्हें सुविधाएं प्रदान करें। जैसे इस समय शासन की स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की चल रही है, तो एक तरीके से अवेयरनेस है सरकार की भी कि बच्चों को बढ़ावा दे रही है शिक्षा के प्रति। हो लड़कियों की तरफ तो पहले से भी रुझान सरकारों का इनके नहीं और भी सरकारों को रुझान रहा है कि बच्ची अगर स्कूल जाती तो किसी सरकार ने साइकिल बांटी, किसी ने मशीनें बांटी, इस तरीके से उनका चलता रहता है प्रोग्राम। आपका नाम क्या है? पूजा साहू। किस गांव से हैं आप? सुल्तानपुरा। ये राष्ट्रीय मैत्री शरण गुप्त महाविद्यालय में किस ईयर की छात्रा हैं? बीए सेकंड ईयर की। तो आज आपकी शादी है, तो शादी क्या संपन्न हो चुकी है? नहीं सर, अभी नहीं हुई है। फिर यहाँ पेपर देने के लिए आई हैं, तो आप किसकी मर्जी से यहाँ पेपर देंगे? अपने मतलब घर वालों की मर्जी से आए हैं और अपने ससुराल वालों की भी मर्जी से आए हैं। ससुराल पक्ष का क्या कहना है, आगे पढ़ाएंगे? हाँ, वो आगे भी पढ़ाएंगे, वो कह रहे हैं जब इतनी आपने पढ़ाई की है तो हम आगे भी आपको जरूर पढ़ाएंगे। कैसा लग रहा है आज आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हमें ससुराल वाले तैयार हैं हमें पढ़ाने के लिए। आगे की और भी लड़कियों से छात्राओं से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे भले शादी कर लो पर आगे पढ़ाई ना छोड़े, वो आगे पढ़ाई करते रहे ताकि कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। आगे कुछ क्या अपनी सहेलियों से कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी, हम अपने फ्रेंड्स से यही कहना चाहेंगे वो आगे पढ़े लिखें और मतलब आगे चल के कुछ करें ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, दूसरों के भन ना रहे वो।